शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुस्वाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। तेरे को अंगूठा नहीं है क्या? उंगली दिखा रहा है, चल अंगूठा लगा। हाँ लाला, अंगूठा लगाना हमारा काम, उंगली करना तुम्हारा काम है। ए, किसको बोल रहे रे? मेरे को सुना तुमने शंकर? लाला जी कह तो ठीक ही रहा है। लॉक कर लो बात, तुम भी इसी की तरफ से बात कर रहे हो, चल अंगूठा लगा। अंगूठा? व्हाट डू यू मीन रोशन लाल? कितनी बार कहा है आई सिग्नेचर यू फर्नीचर जैक एंड द हिल, सेंट ऑफ द हिल। क्या कर रही है? पूरे कपड़े खराब कर दिए। अरे अच्छा ना लाला जी, लोग कहेंगे पढ़े लिखे हो, वो क्या होता है MBBS। जैसे कि तू बड़ा पढ़ा लिखा है। यस आई स्पीक इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई काउंट इंग्लिश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शंकर भैया तुम्हारा याद आ गया। राजा भैया, मेरी फोटो लाए? हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये देख। अरे दादी तुम कितनी अच्छी लग रही हो ना, है ना शंकर चाचा? अरे ले ले, नजर ना लगे हमारी बेटी को, एकदम दुल्हन लग रही है, देख मौसी देख। तुम दोनों ने इस बिन माँ बाप की बच्ची को कितना प्यार दिया है। मौसी तुम क्या लगती हो मेरी? लो सुनो, मौसी कह रहा है और पूछ भी रहा है कि मैं इसकी क्या लगती हूँ। मौसी लगती हूँ मैं तेरी? तू मेरी मौसी, ये तेरी पोती, मैं इसका चाचा, ये मेरी भतीजी। अब चाचा भतीजी से प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा? अब बातों में तुझसे कौन जीते? बातों में क्यों मौसी, किसी काम में कोई नहीं जीत सकता। जीत तो नहीं सकता लेकिन बराबर की टक्कर दे सकता हूँ। लाजी फोटो में सबको दिखा दो। सबको दिखा दे, चल आओ। इसी बात पर घर छोड़ दू? नेवर, मैं इस मोटरसाइकिल में कभी नहीं बैठूंगा। इसकी ना माँ का पता है ना बाप का। दुनिया भर के मोटरसाइकिलों के पुर्जे इकट्ठे करके पुर्जा बना लिया और मुझे बोलता है इसमें बैठो। नो रिस्क ऑन दिस खटारा। क्या कहा?
खटारा कहा इसे? अरे सॉरी सॉरी, खटारा कम से कम चलती तो है, ये बेचारी तो। डोंट इंसल्ट माय बाइक, आजकल मेरी ये बाइक बिल्कुल ठीक चल रही है। इसलिए परसों धक्के लगा रहा था इस अजूबे को? हा? अरे ये अजूबा मेरी कारीगरी का नमूना है, एक ही पीस है पूरे इंडिया में। जैसे कि मैं देखो, बैठना है तो बैठो, ये तो मैं। अरे सुन यार, नाराज क्यों होता है? मालिक रक्षा करना, अब सर फूटे या माथा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। वाह, इसे कहते हैं यारी, दोस्त हो तो ऐसे है। दोस्त नहीं है रे वो। अरे पागल, वो बाप बेटे हैं, बाप बेटे। अच्छा, अपना
ऐसा है अपना प्यार। वालेकुम सलाम, कैसे हो? आदाब चाचा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाईजान, मैं आप ही के पास आ रहा था खुशखबरी देने। कैसी खुशखबरी? भाईजान, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो एक नजूमी ने मेरी अम्मी से कहा था कि तेरा बेटा बड़ा होकर विलायती गाड़ियों में घूमेगा। आज उसकी बात सच हो गई। लॉटरी लग गई? नहीं भाईजान, लॉटरी नहीं, नौकरी मिल गई। अरे नौकरी भी तो गरीब के लिए लॉटरी से कम थोड़ी होती है। कहाँ लगी नौकरी? खन्ना साहब के ड्राइवर की। अपने सेठ जी के? अरे क्या बात है। अरे वाह, लकी, वेरी लकी। पापा मैं चलता हूँ, मेरे मैकेनिकल कॉलेज का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज बेटा। माशाल्लाह, क्या हीरे जैसी औलाद पाई है आपने। ऐसी औलाद बड़े नसीब वालों को मिलती है। कितनी मेहनत करता है, सुबह गैराज में काम करता है, शाम को कॉलेज जाता है। अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। लेकिन भाईजान जानते हैं ये ऐसा क्यों है? क्यों है जी? क्योंकि ये आपका बेटा है। अच्छा भाईजान चलता हूँ, वरना चली जाएगी। कौन चली जाएगी? नौकरी। हाँ पकड़ ले, पकड़ ले जाके, जल्दी पकड़ ले। डा 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 डा, जा कबूतर जा जा। अरे राजा। बेटे खाना नहीं लगाया आज? नहीं। जा जल्दी से खाना लगा, भूख लग रही है। खाना बना ही नहीं। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं बना? आज शुक्रवार है। शुक्रवार तो शुक्रवार को क्या व्रत रखा है? शुक्रवार को लड़कियां व्रत रखती हैं। व्रत सत कुछ नहीं रखा, याद कीजिए शुक्रवार को क्या होता है। क्या होता है यार शुक्रवार को? मुझे तो याद नहीं रहा। तू काम कर, जल्दी से खाना बना ले, मैं याद करता हूँ शुक्रवार को क्या होता है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। पापा। हाँ जी। आपकी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर होती जा रही है। जो बच्चे? शुक्रवार के दिन खाना बनाने की टर्न आपकी होती है। अरे मैं तो भूल ही गया कि आज मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ खाना। राजा, मेरी कमर बेटे, आज तेरी मोटरसाइकिल ने मेरी कमर की बुरी हालत कर दी। जब भी आपकी खाना बनाने की टर्न होती है, आपके बदन में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं नहीं बेटे, आज तो यही हो रहा है, यही। अच्छा मेरे 10-12 पराठे बना ले, 4-5 मैं खा लूंगा, बाकी 4-5 मेरी पीठ पे बांध देना, मेरा दर्द चला जाएगा बेटे। और सुन, बाकी की तू पेट भर के खा लेना है। दर्द आपकी कमर में है, हाथ में तो नहीं। चलिए खाना बनाइए। नालायक बीमार बाप से खाना बनवाना चाहता है, निर्लज कहीं का। भगवान देख रहे हो, भगवान मेरी कमर में पेन है, और ये कम्बक कहता है खाना बना, अपनी मोटरसाइकिल में घुमा घुमा के मेरी हड्डियां तोड़ दी इसने, शर्म नहीं आती इसे। अब ज्यादा नाटक मत कीजिए और चुपचाप खाना बनाइए। तू अपने बीमार बाप के लिए खाना नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा। देख मैं तेरा दोस्त भी हूँ, अपने दोस्त के लिए भी खाना नहीं बनाएगा? आप बड़े स्मार्ट हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी बाप बन जाते हो तो कभी दोस्त। I like no this. तो तू खाना नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा। तो बताओ क्यों खा रहे हैं यार, मैं बना लेता हूँ। ये लीजिए आपका 1 किलो गोभी। कितना हुआ? 15 रुपया। ये लो।
रुपए किलो दिया गोभी? 15 रुपए किलो। अरे कल तो 10 रुपए में दिए, देना है तो देने, तो मैं चली। अच्छा भाई ले लो। अच्छा सुनो, उसको 5 रुपया सस्ता दे रही है। अरे 5 रुपए की लूट, दिन दहाड़े उसने हमें लूट लिया है, उसे मैं अभी देखता हूँ। अरे छोड़ना, औरतों के मुंह नहीं लगता। एक बात बताऊं, इस भाजी वाली ने आज मुझे भाजी खरीदना सिखा दिया। वो कैसे? अब देखना मैं क्या भाव तय करता हूँ। खा गया गाजर? ओ छोकरे, आलू कैसे दिए? 10 रुपए किलो। 2 रुपए देगा? कल आना भाई, कल आना। कल कितने बजे? कल मंगलवार, भारत में रात 9:30 और शुक्रवार शाम 5 बजे दुबई में। क्या मतलब? ये है जी आलू डेंडलेन। डेंडलेन? हम डीडी मेट्रो ही खा लेंगे। चल बच्चे। ए राजा, तू एक बात नोट की, यहाँ सब्जी खरीदने वाली सब औरतें ही औरतें हैं, मर्द एक भी नहीं। हाँ यार, सिर्फ हम दो गधे यहाँ घूम रहे हैं। यार मैंने डिसाइड कर लिया, अब इस घर में एक औरत आनी ही चाहिए। तब तक हम खाना बनाते रहेंगे, झाड़ू देंगे, बिस्तर बिछाएंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन मांजेंगे। यार बोर हो गया मैं। उन्हें एक काम कर, तू एक लड़की ले ही आ। लड़की? दो औरत? अबे उल्लू के पट्टे, मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। जल्दी से शादी करके घर में बहू ले आ। वो किस लिए? वो इसलिए कि घर में बहू आएगी ना तो पकी पकाई रोटी मिलेगी, धुले धुलाए कपड़े मिलेंगे, बर्तन साफ मिलेंगे, बिस्तर बिछे हुए मिलेंगे, इतनी सुख शांति से रहेंगे हम। अच्छा, तो आपको एक अदद नौकरानी की जरूरत है? चल्ला हो गया, चल्ला पागल हो गया है। मैं नौकरानी की बात कर रहा हूँ? अरे मैं तो तेरे दिल की रानी की बात कर रहा हूँ, इस घर की रानी की बात कर रहा हूँ। बात पल्ले पड़ी? पड़ी, अच्छी तरह पड़ी। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, मेरी बीवी आपकी नौकरानी का काम करेगी और आप मजे उड़ाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरी बीवी आपकी नौकरी नहीं करेगी, और अगर इतना ही शौक है तो खुद शादी कर लीजिए और अपनी बीवी से काम करवाइए। ओए 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 कद्दू, मेरी बीवी तेरी क्या लगी? माँ लगी, और तो अपनी माँ से काम करवाएगा? तो मेरी बीवी आपकी क्या लगी? बहू, अपनी बहू से काम करवाएंगे? माय वाइफ नो वर्क। तुम्हारी बीवी काम करेगी? मेरी बीवी काम नहीं करेगी। मेरी बीवी काम नहीं करेगी? आपकी करेगी। मैं कहता हूँ मेरी बीवी काम नहीं करेगी। आपकी करेगी। कह दिया ना मेरी बीवी काम नहीं करेगी। क्या हुआ राजा भैया? शंकर चाचा, क्या फिर से झगड़ा हो गया? स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। बहुत अच्छे बेटे, जाओ 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 खेलो, बहुत अच्छे, शाबाश जाओ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, तेरा मंगलसूत्र ठीक हो गया? गया हाँ। अच्छा मैं इसे थाली में रख देती हूँ। थाली में रख दूंगी? दिवाली के दिन इसको ठीक करवा के लाया हूँ, इसे आज मैं अपने हाथ से तुम्हें पहनाऊंगा। अच्छा जी, आप भी पहना दीजिए, मगर अभी नहीं, लक्ष्मी पूजन के बाद। क्यों लक्ष्मी पूजन के बाद? क्यों? देखो लक्ष्मी, तुम साल में एक बार लक्ष्मी पूजा करती हो, वो भी दिवाली के दिन, और मैं अपनी हर सांस के साथ अपनी लक्ष्मी की पूजा करता हूँ। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा है मैंने। पति देव जी, आज क्या है? आज दिवाली है। दिवाली? तो आपके हाथ में मिठाई कहाँ है? अरे तुलवा के रखी थी, लेकिन वो इसके चक्कर में लाना भूल गया, अभी लेके आता हूँ। नमस्ते नमस्ते, दिवाली मुबारक। राम राम शंकर भैया। हाँ भाई, दिवाली मुबारक।
भैया दिवाली साल में एक ही दफा क्यों आती है, बार बार क्यों नहीं आती? आप हुक्म कीजिए शर्मा साहब, ऐसी दिवाली हम रात को मना लिया करें। राजा राजा आया माँ आया। बेटे जल्दी आओ, पूजा करनी है। माँ बस थोड़ी देर, माँ बस थोड़ी देर। तक अपनी बेटी को छुआ तक नहीं, तुमने पत्थर मारकर उसका खून बहा दिया। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हरामजादे। हाँ, मरूंगा। तुम लोगों की दिवाली ने मेरी मां की जान ली है। मुझे मेरी मां वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरी मां। ये क्या कर रहे हो आप? मत मारिए, मत मारिए। बच्चा है, मेरी बात सुनिए आपने। हट जाओ कहता हूं। अजय माफ कर दीजिए सेठ जी, इसे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं इसे? इसकी ये जरूरत कि हमारे घर में आकर हम ही को पत्थर मारे? इसकी मां मर गई है सेठ जी, मामला हो गया है। उसे इतनी अकल नहीं कि बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है। माफ कर दो सेठ जी, माफ कर दो। जाने दीजिए ना, ले जाओ उसे। लेकिन आज के बाद अगर ये इस बंगलों के आसपास भी नजर आया तो जिंदा कर दूंगा। से नहीं आएगा, नहीं आएगा। दफा हो जाओ यहां से, जाहिल कहीं थे। राजा राजा मेरे बेटे, देख आज मैं तेरे लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ कि तू पहन के जाएगा ना तो सब पूछेंगे कहाँ से खरीदी है। एकदम लेटेस्ट शर्ट है, दुकान में सब मांग रहे थे इसे। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं अपने राजा के लिए लेके जाऊंगा। अरे रंग तो देख कितना सजेगा मेरे बेटे पर, तेरे रंग पर कितना खिल के आ रहा है ये रंग है। जा पहन के दिखा, जा जल्दी पहन। पहन के आना। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है यार? अपनी मां को देख रहा हूं। आ,
चतुरी, अरे चतुरी ये पकड़ो कोई, अरे जल्दी से पकड़ो देखो चतुरी, अरे पकड़ो जल्दी। अच्छा किया शंकर, तूने छत पकड़ ली, दूसरी छत में कहाँ चलाती बेटे? मौसी ये ऊपर वाला भी अपने टेस्ट पे टेस्ट ले रहा है। ए भीकू, जाओ जल्दी से बांधो इसे। हाँ शंकर भैया, लाओ लाओ, ठीक से रखना बेटे। हाँ हाँ मौसी, ठीक से रख। मौसी, अब तो हद हो गई। सेठ जी से बात कर ही लें कि उन्होंने हमारी मांग के बारे में क्या सोचा है। बाकी इन्वेस्टर्स की इंस्टॉलमेंट आ रही? जी नहीं। तो फिर उन्हें नोटिस भेज दीजिए, उनसे मकान लेकर हम आगे बेच देंगे, अब भाव भी ज्यादा मिलेंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ सेठ जी? शंकर आओ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते जी। नमस्ते शंकर। कौन शंकर, क्या बात है? सेठ जी, मैं मजदूरों की तरफ से एक बार फिर हमारी मांग और बड़े सेठ जी का वादा याद दिलाने आया हूं। याद है? हमें अच्छी तरह से याद है। तुम क्या समझते हो कि हमें बड़े सेठ जी के वादे का कोई ख्याल नहीं? अरे भाई, लेकिन ऐसे मामलों में जज्बात से काम नहीं लिया जाता, बड़े सोच समझ कर फैसले करने पड़ते हैं। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आखिर हमने मांगा ही क्या है? कोठी, बंगला, फ्लैट, जी नहीं, हर मजदूर के लिए सिर्फ 8x10 की एक खोली जिसकी छत पक्की हो। ये कहां का इंसाफ है सेठ जी? इंसान दुनिया को जो चीज बना के देता है, दुनिया उसे उसी चीज से महरूम रखती है। जो मजदूर अपने हाथों से दुनिया को पक्की छत बना के देते हैं, उन्हीं के सर पे पक्की छत नहीं। आए दिन बस्ती में कोई ना कोई हादसा होता रहता है सेठ जी, और आप जानते हैं मैं भी इसी हादसे का शिकार हूं। इसी कच्ची छत की वजह से मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई थी, और हमारे इस दुख को समझते हुए देवता स्वरूप बड़े सेठ जी ने हमें पक्के मकान देने का वादा किया था। उन्होंने तो जमीन भी खरीद ली थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो होते तो कॉलोनी कब की बन चुकी होती। अरे भाई, हम खुद चाहते हैं कि बड़े सेठ जी की आखिरी ख्वाहिश को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन क्या करें भाई, इतना बड़ा कारोबार है, 50 किस्म के झंझट होते हैं, और ऊपर से इनकम टैक्स वालों ने नाक में दम कर रखा है। अब जैसे ही हम इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तो फौरन काम शुरू करवा देंगे। और फिर क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? कैसी बात कर रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं होगा तो फिर किस पे होगा? तो फिर बेफिक्र होकर जाओ और ये सब काम हम पर छोड़ दो। हाँ जाओ। ठीक है सेठ जी। सर, जिस जमीन पर बड़े सेठ जी मजदूरों को घर बना के देने वाले थे, वो फाइल मेरे पास है, नक्शा भी मौजूद है, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए आप? हमारे पास फालतू पैसे पड़े जो इनके लिए घर बनाते फिरेंगे? और फिर जब बड़े सेठ जी ने वो जमीन खरीदी थी तो सिर्फ 60,000 की थी, आज उसकी कीमत 4.25 करोड़ रुपया है। हम उस पर 4 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, 20 करोड़ रुपया कमाएंगे। लेकिन बड़े सेठ जी की दिली ख्वाहिश थी कि मजदूरों को घर मिले। माफ कीजिएगा वर्मा जी, आपके बड़े सेठ जी इंसान बहुत अच्छे थे, लेकिन बिजनेसमैन अच्छे नहीं थे। वो दिल से ज्यादा और दिमाग से कम काम लिया करते थे। लेकिन हम मजदूरों को क्या जवाब देंगे? जो अभी दिया। अरे भाई, इन्हें सपने देखने की आदत होती है, ये कॉलोनी के सपने देखते रहेंगे और हम बिल्डिंग बनाते रहेंगे। वक्त की रफ्तार के साथ चलना हमें अच्छी तरह से आता है।
क्या कहा तुमने? यू बात तुमने मुझे मारा, इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। एक मिनट मैडम, पहले मेरा सवाल तो खत्म हो जाने दो। ये था मेरा सवाल, अब जवाब भी मैं ही दूंगा। पहला थप्पड़ तुम्हारी उस बदतमीजी के लिए जो तुमने मुझे गाली देकर की, और दूसरा थप्पड़ सायरन देती हुई एम्बुलेंस को रास्ता ना देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों गलतियां तुम फिर से नहीं दोहराओगी। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूं। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम क्या कर सकती हो, मगर ये जरूर जानता हूं कि तुम क्या नहीं कर सकती। तुम ये सड़क नहीं खरीद सकते। तुम शायद जानते नहीं मैं किसकी बेटी हूं। जब पैदा हुई हो किसी ना किसी की बेटी तो जरूर होगी। वैसे मुझे तुम्हारे बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, अगर शादी का मूड हुआ तो नाम जरूर पूछ लूंगा। हेलो फायर ब्रिगेड, यहां जू 10th रोड पर एक मैडम को आग लगी है, आप फौरन आ जाइए। धन्यवाद। माफ करना भाई साहब, गलती हो गई, माफ करना। ए, क्या हुआ? वो बीबी ने कॉफी मांगी थी, गलती से चाय दे दी। बेटी, अंजू बेटी, नीचे आओ बेटी। मैं नहीं आऊंगी, पहले आप इसे नौकरी से निकालिए। अभी निकाल देते हैं बेटी। इडियट, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? चलो निकलो यहां से, गेट आउट। बेटी हमने उसे निकाल दिया है, अब तो आ जाओ। अरे भाई कैसी है हमारी बेटी? बिल्कुल ठीक भाई। 3 दिन हो गए हमारी बेटी को जनीवा से आए हुए, पर हम उससे अभी तक अच्छी तरह से मिल भी नहीं पाए। क्यों, मिले तो थे। अरे वो भी कोई मिलना होता है बेटी। है, मैं क्या करूं डैडी, आपको अपने काम से फुर्सत मिली तब ना। जब देखो काम काम काम, मुझसे ज्यादा जरूरी तो आपका काम है। दैट्स नॉट फेयर बेटी, दैट्स नॉट फेयर। हम तो अपना काम छोड़कर भी हर साल तुम्हें जनीवा तक मिलने आया करते थे कि नहीं आया करते थे? हाँ, लेकिन मुझसे मिलना तो सिर्फ एक बहाना था, आप वहां भी कोई ना कोई बिजनेस मीटिंग रख लेते थे। अच्छा अच्छा, वो काम छोड़ो, अभी हम दोनों मिलकर गरम गरम कॉफी पीते हैं, कैसा आइडिया? कम ऑन, लेट्स गो। डैडी, आपने अभी तक इसे निकाला नहीं? ए, तुम अभी तक गए नहीं? आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ, गेट आउट, गेट आउट। डैडी यू आर सो स्वीट। आज तो हमारी रानी बिटिया बहुत खुश हो गई होगी, आप जल्दी जो आ गए। जल्दी कैसे नहीं आते भाई, आज हमें अपनी बिटिया को एक खुशखबरी जो सुनानी है। कैसी खुशखबरी? भाई तुम्हारा बचपन का दोस्त हांगकांग से आ रहा है। लकी? कब? बहुत जल्दी। थैंक यू। अंजू बेटी, देखो कौन आया है। लकी, ओ लकी, रियली यू, हाउ आर यू? फाइन। जब से पापा ने कहा है कि तुम आ रहे हो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। याद है लकी, जब मैं हांगकांग आई थी तुमने मुझे कितना घुमाया था, अब मैं तुम्हें घुमाऊंगी, पूरी बम्बई दिखा दूंगी। वाह, क्या बम्बई घुमाई है तुमने। ऐसी बम्बई मैंने कभी पहले नहीं देखी। क्या लकी, अब गाड़ी खराब होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो घर सामने है, गाड़ी जैसे ही ठीक हो जाएगी हम घूमने चलेंगे। हाँ नहीं 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 नहीं, बस अब और बम्बई घूमने की हिम्मत नहीं रही मुझमें।
कोई है? अरे अरे तुम? जी हाँ मैं। कहिए आज क्या सेवा करूं आपकी? गाड़ी खराब हो गई है भाई, ठीक तो कर सकते हो ना? अच्छी तरह, एक बार पहले भी ठीक कर चुका हूं। क्यों मैडम? जरा स्क्रू ढीले हो गए हैं, इसीलिए ज्यादा गर्म हो जाती है। वैसे अगर चलाने वाला सही हो तो कभी तंग नहीं करेगी। पहली बार देखा तो लगा कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब गौर से देखा तो लगा कि चलेगी। चलेगी ना? अरे हाँ बिल्कुल अच्छी चलेगी। थैंक गॉड यार। अरे अंजू मैं तो धक्का मार मार के थक गया था। कितने पैसे हुए? शगुन के तौर पर 101 रुपए दे दीजिए। क्या हुआ अंजू? पैसे तो मैं लाना भूल ही गई। कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। हाँ ये लो। ये क्या है? नकली नोट देकर अंदर करवाएगा? अरे ये नकली नोट नहीं, हांगकांग का डॉलर है ये। अबे हांगकांग के किंग कांग, ये डॉलर रख अपनी कॉलर में, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी नोट लेंगे। ठीक है घर जाकर भिजवा दूंगी। नो 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 मैडम, उधार मोहब्बत की कैंची है। अब क्या करें अंजू? ये लो अंजू, अब पहना ही दो। मोहब्बत जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश है, मगर ये आजमा लेने के काबिल आजमाइश है। हर साजन की एक गोरी है, चंदा के साथ चकोरी है। आ मेरे पास खड़ी हो जा, क्या खूब हमारी जोड़ी। We'll be right back.
जब तेरे गालों को झूमते हैं, जब तेरे गालों को झूम के ये झुमके तेरे कानों में। इमरजेंसी, यहां एक आदमी नुमा जानवर अपनी बेइज्जती के दलदल में फंस चुका है। आप उसका चूड़ियों वाला हाथ पकड़कर उसे बचा लीजिए। धन्यवाद। लड़का देखने में तो बहुत अच्छा है। वेरी हैंडसम सन, तो मैं फिर आपकी तरफ से हाँ समझू। भाई साहब, उनके गुजर जाने के बाद सुमन मेरी एक ही पूंजी है, उसकी पसंद मेरी पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, बस फिर मेरी तरफ से भी हाँ समझिए। जिया क्यों नहीं, आप जब कहें मैं मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। सुमन बिटिया घर पे है? जी हाँ, साथ वाले कमरे में है, कोई उसे मिलने आए हैं। सुमन, तुम जानती नहीं, माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी शादी कराऊं। तुम्हारी माताजी भी तो इतने सालों से अकेली हैं, मेरे ख्याल से इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तुम्हारे पापा की उम्र कितनी है? उम्र अभी 20 साल पहले तो 30 के हुए, A1 कंडीशन में है। अगर फिल्मों में चले जाए ना तो बड़े बड़े हीरो को मात दे दे। एक हीरोइन के बेडरूम में मार्बल लगा रहे थे, हीरोइन फिदा हो गई। अच्छा, वैसे मम्मी जी कहाँ हैं? कोई उनसे मिलने आए हैं, मेरे रिश्ते की बात करने। अरे तो और भी अच्छा है सुमन, शादी के बाद तुम अपने घर चले जाओगी और तुम्हारी मम्मी हमारे घर। ईंट सीमेंट की कसम बहन जी, ऐसा लड़का आपको चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, और घर के कामकाज में ऐसा एक्सपर्ट कि पूछिए मत। 4x4 के ऐसे पराठे बनाता है कि सुमन बिटिया उंगलियां चाटती रह जाएगी। अच्छा? मैं उसे इसी शनिवार को लेकर आता हूँ।
और शुक्रवार को मम्मी जी को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। शुक्रवार को पापा की टर्न होती है। मेरे ख्याल से ये शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मुझे तुम जैसी बहन भी मिल जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ बहन। ये इसे रखिए ना अपने पास, सुमन भी देख लेगी। अच्छा नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। अरे अरे राजा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और पापा आप यहाँ कैसे? मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया था। और मैं आपके रिश्ते की बात? क्या क्या बक रहा है? हाँ मैं इस उम्र में शादी करूंगा पापा, लेकिन बाप के रिश्ते की बात करके बाप पर पाप चढ़ाना चाहता है पापा। लेकिन मेरी बात पक्की? डोंट टॉक नॉनसेंस। बात नॉनसेंस की नहीं कॉमन सेंस की है। फिर भी अगर आपको शादी नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन मेहरबानी करके मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। अपने लिए लड़की मैं खुद ढूंढ लूंगा। हेलो। ये इश्क नहीं आसान, हमने तो ये जाना है, काजल की लकीरों को आंखों से चुराना है। हेलो। गुस्से में तुम कितनी अजीब और पराई सी लगती हो। ऊपर वाले ने तुम्हें हुस्न की बेशुमार दौलत दी है। अगर मुस्कुराहट का एक सिक्का हमारी झोली में डाल दो तो हम भी माला माल हो जाएं। स्टूपिड इडियट। चलो बोर्ड घुमा लो, घर चलते। अरे अंजलि इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी? काफी देर हो चुकी है। एक्चुअली अंजलि मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कौन सी बात? दरअसल वही बात कहने मैं तुम्हें याद आया हूँ अंजलि। लेकिन बात तो तुम घर पे भी कह सकती हो। घर पे ऐसी बात तुम्हारे दिल में कभी घर नहीं कर सकती। मतलब? अंजलि ऐसी बात के लिए तन्हाई की जरूरत होती है। ऐसी तन्हाई जिसे देखने वाला सिर्फ नीला आसमान हो, जिसे सुनने वाला इन हवाओं के अलावा और कोई ना हो, समुद्र की लहरें संगीत छेड़ रही हो। अंजलि ऐसे माहौल में मेरे दिल में प्यार की घंटियां बजने लगती है। क्यों? तुम ये समुंदर खरीद रही हो? मैडम तुम ये भी नहीं खरीद सकती। तू चाहता है कि मैं पुलिस को बुलाऊं? सुबह चूड़ियां पहनकर भी आंखें मिलाते बेशरम। वो पास है हम दूर, खुदा की कुदरत, हूर की बगल में लंगूर, खुदा की कुदरत। हाउ डेयर यू, तुमने अंजू को लंगूर कहा? शट अप, वो मुझे नहीं तुम्हें लंगूर कह रहा है। तो फिर ठीक है, आओ स्वीट हार्ट हमारे साथ बैठ जाओ, दिल का समुंदर लहराने लगेगा। चलो लकी बोट स्टार्ट करो और तेज चलाओ। मैं भी यही कहने वाला था। लकी बोट को क्या हो गया? लकी अंजलि स्टीयरिंग अटक गया। जाम हो गया स्टीयरिंग। कुछ करो लकी। मैं चाबी ट्राई करता हूँ। लकी क्या कर रहे हो? मैं ऑफ कर इंजन ऑफ करने की कोशिश करता हूँ, ये बंद नहीं हो रही है। अंजलि व्हाट डू वी डू? कुछ कुछ करो लकी, प्लीज कुछ करो। अंजलि कूद जाओ, कूद जाओ अंजलि। मुझे तैरना नहीं आता तो बोट में क्यों बैठी? मुझे तो तैरना आता है, मैं जा रहा हूँ।
One coffee, please. Hi. Hi, Johnny. क्या हाल है यार? Johnny? मैं Johnny नहीं हूँ भाई. मैं जानता हूँ यार. और सुना Johnny? सुनी. आपसे कुछ कह रही है. हाय महेश, क्या बात है यार, आजकल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो? भाभी से झगड़ा हुआ है क्या? मैंने आपको पहचाना नहीं. मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ यार, तुम भोले बहुत हो, इसलिए जब देखो भाभी तुम्हें डांट देती है. भाई साहब, स्वीटी, अरे अरे बैठ यार, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा. टेंशन वो तो चली गई. खा खा. बाय. हाय शालू, कैसी हो यार? हाय जगदीश, इतने दिनों के बाद मिले हो, कहाँ थे इतने दिन? मैं, तुम यहाँ पिकनिक भी आई हो क्या? हाँ पिकनिक, जस्ट एक पिकनिक. शादी वादी हुई कि तुम्हारी? शादी तो नहीं हुई अब तक. और बच्चे? चार है. चार? हाँ. और जग्गू, तुमने शादी की कि नहीं अब तक? मैं शादी. ओ जग्गू, अभी तक तुम मेरे लिए रुके हुए हो, सो सैड. तुमने बच्चों के नाम क्या रखे? सब अलग अलग है. अच्छा. हाँ. एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप वहां बैठिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. मैडम, वैसे मैं जगदीश नहीं, राजा हूँ. तो मैं भी कौन सी शालू हूँ? वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, अगर हो तो मुझे बताना. श्योर. वैसे लड़की बहुत अच्छी है. थैंक यू. कीप इट अप. अंजू, अरे अंजू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई हो. मगर तुम्हें तो बचना नहीं चाहिए था, इतने बड़े समुंदर में भी तुम डूबकर मर नहीं सके. तुम्हें तो चिल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए. ऐसे कैसे हो सकता है अंजू? हाँ, मुझे तो तैरना आता है यार. Shut up and get lost. अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैं किनारे तक आया तुम्हारे लिए बोट का बंदोबस्त करने, बस अभी चाय पी के निकलने वाला था तुम्हें ढूंढने. मुझे या मेरी लाश को, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है. यार अंजू, तुम खामखा नाराज हो रही हो यार. शे इडियट. थैंक्स. बाय. क्या हुआ? कोई चीज खो गई क्या? तेरा पैर. कौन सी चीज खो गई है? मुस्कुराहट. मिल गई. कोई चीज खो गई क्या? कौन सी चीज खो गई है? मुस्कुराहट. मिल गई. ये इश्क नहीं आसा, हमने तो ये जाना है, काजल की लकीरों को आंखों से चुराना है. ऊपर वाले ने तुम्हें हुस्न की बेशुमार दौलत दी है, अगर मुस्कुराहट का एक सिक्का हमारी झोली में डाल दो तो हम भी मालामाल हो जाएं. अरे रे, मैंने तो सिर्फ एक सिक्का मांगा था, तुमने तो सिक्कों की बौछार कर दी. एक अल्लड़ नादान हसीना अपने सपनों से घबराए, जाने मन क्या सोच रहा है, जाने खुद क्या सोच रही है. साजन ने कुछ बात कही है, आगे पीछे सोच रही है. आंचल की परछाई डोले, नैनों के दीप थर्राए, एक अल्हड़ नादान हसीना अपने सपनों से घबराए. राजा, राजा, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? जान का दुश्मन कोना कोना, मजबूरी का हंसना रोना, तकिया काटे काटे बिछोना, नींद ना आए लेकिन सोना. राजा, राजा, तुम कहाँ हो? इधर उधर क्या देख रही हो? मुझे देखना चाहती हो तो जरा सा सर झुकाओ और अपने दिल में देख लो. राजा, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है. डर? कैसा डर? अरे प्यार से तो हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, वही हौसला तो मुझे तुम्हारे कमरे तक ले आया है. राजा, तुम यहाँ क्यों आए हो?
मेरी एक कीमती चीज खो गई है जो मैं जानता हूं मुझे यहीं मिलेगी। आहा, मिल गया। क्या? मेरा दिल कम वक्त तुम्हारे यहां छुपा हुआ था। अरे इसके साथ एक और दिल जुड़ा हुआ है। ये तो अलग ही नहीं हो रहा। देखो 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 किस तरह से ये दो दिल एक दूजे में समा गए हैं। क्यों ना इसी तरह हम भी एक दूजे की बाहों में समा जाएं? तुम जाओ यहां से। जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं आ जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं इतनी दूर चलकर तुम्हारे पास यहां आ सकता हूं, क्या तुम दो कदम चलकर मेरी बाहों में नहीं आ सकती? अंजू, हमारे बीच जो जरा सा फासला है उसे सिर्फ तुम ही मिटा सकती हो। जाग उठा समान सो गया।
बंद कमरा सनम, बंद कमरे में हम, खिड़कियां खोल दो, सबसे ये बोल दो, जाग उठे सभी, आज अब और अभी, हमने वादा किया, ये इरादा किया, और भी पास आने लगे, एक दूजे में हम यूं समाने लगे। रात गए क्या करने आए तुम लोग? आपको तो पता भी नहीं चला होगा सेठ जी, बाहर कितना बड़ा तूफान आया है। दर चलकर देखिए, पूरी बस्ती तबाह हो गई है। तो मासूम तो मरते मरते बचे हैं। बहुत हो गया सेठ, बहुत हो गया। अब तो हम मजदूरों को पक्के घर दे ही दीजिए। कल ऑफिस में आना, वहीं बात करेंगे। नहीं, ऑफिस में नहीं सेठ जी, आपको आज ही यही जवाब देना होगा। इतने सालों से हम आपका, सिर्फ आपका काम करते चले आ रहे हैं। आपके कुत्तों तक को छत नसीब है और हम इतने सालों से भौंकते आ रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देता? आज तो हम फैसला सुनकर ही जाएंगे। तो ठीक है, सुन लो फैसला। तुम्हें घर नहीं मिलेंगे। हमने कभी नहीं कहा था कि हम तुम लोगों को पक्के घर देंगे। आपने कभी नहीं कहा था, और आप जैसा इंसान दे भी क्या सकता है? ये वादा तो हमसे बड़े सेठ जी ने किया था। बड़े सेठ जी का वादा गया उनके साथ। जाओ और ऊपर जाकर उनसे ले लेना। And now get the hell out of here. Get out all of you. तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए सेठ जी, कल से कोई मजदूर काम पर नहीं आएगा। ना आए, कोई कमी नहीं है मजदूरों की। अरे रुपया फेंको, मक्खियों की तरह आते हैं। भूल जाओ सेठ, जिंदगी हमने आपकी बिल्डिंगों पर लगा दी, और अब मजदूर बाहर से आएंगे? एक भी नहीं आएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं सेठ, चेतावनी दे रहा हूं। मकान तो अब हम आपसे लेकर ही रहेंगे, ये वादा रहा। जमीन भी वही होगी, पैसा भी आपका होगा, और उद्घाटन भी आपके शुभ हाथों से होगा। इस जन्म में तुझे मुमकिन नहीं है शंकर। इस जन्म की बात करते हो सेठ, आपके जन्म दिन से पहले लेकर रहूंगा। अच्छा, आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू। ओके ओके सेठ, विद पावर ऑफ शंकर आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज।
लो कर लो बात। अपने मजदूर हड़ताल पर क्या गए, दूसरे मजदूर ने भी काम करने से इनकार कर दिया। मैं ठेकेदारों से मिला, मजदूरों से मिला, सब लोग यही कहते मजदूर मजदूर भाई भाई, अगर शंकर नहीं काम करेगा तो हम भी नहीं काम करेंगे। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मुझे तो एक ही बात की फिक्र है, आपका क्या होगा रोशनलाल? मेरा मतलब है कि हमारा काम पूरा कैसे होगा? हो जाएगा, कुछ दिन और गुजर जाने दो, फिर उन्हें मालूम होगा हड़ताल क्या होती है, मालिक से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। नहीं बात तो ठीक है सेठ जी, लेकिन इसमें नुकसान आपका भी है ना? हम हैं रोशनलाल, हम में नुकसान को बर्दाश्त करने की ताकत है, लेकिन वो मजदूर सिर्फ इंसान है और इंसान सर से लेकर पांव तक पेट ही पेट होता है। दो चार दिन जब घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो ऐसी आग लगेगी पेट में कि खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। बीवी बच्चे जब भूख से मरेंगे तो अपने आप काम पर आ जाएंगे। मैंने भी कुछ नहीं खाया, आप भी लीजिए ना। आप फिक्र मत कीजिए मेहता साहब, आपको बंगलोर का पोजीशन वक्त पर मिल जाएगा। हड़ताल ऐसा तो होता ही रहता है। हाँ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अंजू अंजू मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ मामा, यात्रा से वापस कब लौटोगी? एक महीना तो लग ही जाएगा। अच्छा भगवान के पास से मेरे लिए क्या मांगूंगी? भगवान से कहूंगी एक अमीर घराने का खूबसूरत लड़का भेज दो। नहीं मामा, ये मत मांगना। क्यों? क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो लड़का गरीब है,
कौन है वो? उसका नाम है राजा। वो बहुत अच्छा लड़का है मम्मा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा जब मैं लौट आऊं मुझे उससे मिलवाना। ओ मम्मा यार डार्लिंग। एक बात सोचो अंजू, कि जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि जिस शंकर ने उनका चैन चुरा रखा है उसी के बेटे ने उनकी बेटी का दिल चुरा लिया, वैसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। तब तो हमारी लव स्टोरी सुपरहिट है। सुपरहिट? वो कैसे? देखो दुनिया की जितनी लव स्टोरीज है, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, इन सब में दो बातें कॉमन है, लड़की अमीर लड़का गरीब या लड़का अमीर लड़की गरीब, ठीक है। दूसरी, दोनों फैमिलीज में टिशुम बिशुम यानी कि दुश्मनी, और हमारे यहाँ दोनों चीजें हैं। तो क्यों, हमारी लव स्टोरी सुपरहिट हुई कि नहीं? बिल्कुल, लेकिन हमारी लव स्टोरी में एक नई चीज होगी जो किसी भी लव स्टोरी में नहीं है। वो क्या? इन सबका एंड बड़ा रोटर था, ट्रेजिक। इनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई थी, मगर हमारी होगी। जिंदगी में दूसरी बार तुमने अकलमंदी की बात कही है। दूसरी? पहले कब कही थी? क्यों, तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने मैंने कहा था। हाँ, तुम्हारी बात से हम खुश हुए। मांगो जो मांगना चाहते हो, आज जो भी मांगोगे मिलेगा। पक्का? हाँ। मना तो नहीं करोगी? मांग करते देखो, राजकुमारी अपने वादे से झुकेगी नहीं। बहुत देर हो जाएगी। मेरी बात अभी बाकी है। यार मत जा के मेरी बात अभी बाकी है। यार मत जा के मेरी बात अभी बाकी है। तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। यार मत जा के मेरी बात अभी बाकी है। तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। वादे की मुलाकात अभी बाकी है। तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है।
समझ में नहीं आ रहा, बस्ती वालों के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। इसे देखो, उसी की आंखों में भूख नजर आ रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अब तो कुछ बचा भी नहीं बेचने के लिए। शंकर भैया, ये गाड़ी है ना, इसे बेच देते हैं। कमाल करते हो अनवर चाचा, अरे ये तो खन्ना की गाड़ी है, कैसे बेचोगे इसे? अरे चोरों का माल चोर बाजार में बिकता है, और खन्ना तो चोरों का बाप है। आज तक तुम लोगों की मेहनत से उसने अपनी तिजोरियां भरी, तुम लोगों को कुछ मिला? कुछ नहीं ना। अरे एक नंबर का चोर है, और मैं तो कहता हूं कि चोर के घर चोरी करना कोई चोरी नहीं। अनवर, क्या कहा तूने? फिर से बोल। हाँ हाँ, चोर के घर चोरी करना कोई चोरी नहीं। कौन है आप लोग? चंदू मल्ल, गंजू मल्ल, गजनानी, ऑफिसर इनकम टैक्स। I am Ayyappa Swami, Inspector from Income Tax. Me Vishwas Sarpoddar, Inspector Income Tax. I am Vinodi, Lady Inspector Income Tax. लेकिन आप यहाँ क्यों आए? अजय झूले लाल, चरिया इतना नहीं समझता नहीं? इनकम टैक्स वाले किस लिए आते हैं? रेड मारने आए हैं, रेड मारने। केड़ा सर्च वारंट पढ़ो पढ़ो। पता चला है दो नंबर का बहुत माल है तेरे पास। नौकरों के मुंह क्यों लगते हैं? मालिक को बुलवाइए ना। मिस्टर खन्ना को बुलाओ। नहीं लो, कर लो बात, यही हमारे मालिक हैं खन्ना साहब। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, हम शरीफ आदमी हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हम तो हर साल टैक्स भी भरते हैं। सारे माल पे नहीं भरते मिस्टर खन्ना, और जिस माल पे नहीं भरते वो माल निकाल कर मतड़ी तेरे मुंह पे मारूंगा। स्टार्ट द सर्च। एक मिनट, हम कमिश्नर साहब को फोन करना चाहते हैं। करो करो। कमिश्नर साहब क्या, आप चीफ मिनिस्टर साहब को भी करो। लकी फोन लगाओ। टीडीआई ऑफिस, हम आर के खन्ना बोल रहे हैं, कमिश्नर साहब से बात करना चाहते हैं। जी नहीं, इस वक्त वो बाहर गए हुए हैं। ये हमारे घर जी हाँ, इनकम टैक्स रेट पड़ा है। ऑफिसर गजनानी वहां आए होंगे? जी हाँ, यही नाम बताया उसने। देखिए हम कमिश्नर साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ कर सकते हैं आप? देखिए ऑर्डर्स निकल चुके हैं, गजनानी साहब वहां पहुंच चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ओके शुरू कीजिए। हेलो साईं, हेलो। हो डैडी, 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 वो धीरे धीरे धीरे
अरे बेबी गिर जाओगी। दुकमन हो? और ये सब क्या चल रहा है? तलाशी चल रहा है ना, अभी तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटू का तलाशी लेना है। तुम्हारे पापा ने बहुत दो नंबर का माल जमा कर रखा है, इसीलिए इनकम टैक्स रेड है। What rubbish? अंजलि ये ठीक कह रही है, इन्हें अपना काम करने दो, फिकर मत करो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। क्यों, तुम इनके भाई हो? What? सेक्रेटरी होगी। चलिए चलिए। आया तुम ऊपर किधर जाते थे? अभी तेरा भी तलाशी लेने का ना, चल तेरा कमरा दिखा था ना। लेकिन मैं इनके साथ... चले तुम? साहब आपकी चाबी। गाड़ी चाबी है साईं। गजनानी साहब, अरे इकड़े देखो कोई लफड़ा है। रुक साईं रुक, इस लफड़े की चाबी मेरे पास है। हरे राम हरे परमात्मा, ये रोकड़ा किधर से आया? तू तो बोलता था तेरे पास कुछ नहीं है, ये किधर से आया? नहीं और किधर किधर है? और कुछ नहीं है कहीं? जैसे इधर नहीं उधर भी नहीं है, तो माल लेके टेबल पर रखो, नहीं मैं देखता हूँ कैसे नहीं है। आता हूँ तो साहब। साहब साहब मेरे मालिक को छोड़ दीजिए, उन्हें बख्श दीजिए, आपको मेरी नौकरी की कसम। अरे हट। क्या कर रही हो? तलाशी ले रही हूँ ना बेबी, क्या पता कहीं डायमंड छुपा रखा हो। वैसे तुमसे कीमती कोई डायमंड नहीं हो सकता। हरे राम परमात्मा, हरे राम। हीड़े हीड़े खन्ना साईं, घड़िया तू तो भयो लंबे चक्कर के लिए अंदर भयो। ये किसकी तस्वीर है? इसे हाथ मत लगाओ। क्यों, तुम इसे प्यार करती हो? तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन इस बुड्ढे खुसर के यहाँ कैसे पैदा हो गई? सच बताओ मेरा तो दिल नहीं चाहता तुम्हारी कोई भी चीज लूं, तुम सब रख लो। थैंक यू ऑफिसर, तुम कितनी अच्छी हो, काश सब ऑफिसर्स तुम्हारी तरह होते। क्या हुआ? ये तो अच्छा है जी। व्हाट इज अंडर ग्राउंड साईं? कुछ नहीं सिर्फ जमीन है। जमीन है, इनकम टैक्स वाले पैर की ठोकर से बता देते हैं माल के दर है। कार्ड पे हटाओ नहीं। अरे ढक्कन भी खोलो नहीं। अरे राम परमात्मा। ओह माय गॉड, सो मच गोल्ड। सेठ जी, इसके बारे में आपने कभी हमको भी नहीं बताया। शट अप। ये सोने के बिस्किट की बेकड़ी तेरे बाप ने खोली थी चरिया। अरे ढकनी के सोने के दो दांत लगवाए थे, इनकी रसीद हमेशा जेब में रखता हूँ। और ढकनी के तूने सोने के बिस्किट नीचे अंडरग्राउंड में छपा रखे हैं, उनकी रसीद है तेरे पास? मेरी इज्जत आपके हाथों में है, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी इज्जत को बचा लीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझ पर केस मत कीजिएगा। बड़ाई रिश्वत, गजनानी को रिश्वत देता है? झूले लाल, भारत माँ का क्या होगा? नी बनिया, मैं तेरे को अंदर करूंगा, तेरा भरापा जेल में सरेगा। इन पर दया कीजिए ना, मैं जानती हूँ आप रिश्वत नहीं लेते, मगर कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे इनकी इज्जत भी बच जाए और हमारी मेहनत बेकार भी ना जाए। कैसा रास्ता रोजी? सब बीच का रास्ता निकालिए ना। गजनानी बीच का रास्ता नहीं निकालता, निकालता है तो पूरा निकालता है। नी ताई, तेरे पास सूट केस है? जी जी है। उसमें 1 करोड़ आ जाएगा? जी नहीं। हमने तो सुना था 1 करोड़ आता है, नी तो जितना आता है साई उतना डाल दो। ठीक है। सेठ जी, ये तो आपको दिन में तारे दिखा गए। यारो कुछ नाचो,
गाओ। अरे बाप का माल है, खाओ खाओ खाओ। ये रोटी ये दाल खाई बड़े ताल, ये रोटी ये दाल खाई बड़े ताल। आज सुबह मैंने सुनी मुर्गे की बात, शाम को ही मिल गई मुर्गी की डाल। आज सुबह मैंने सुनी मुर्गे की बात, शाम को ही मिल गई मुर्गी की डाल। अब राई ठोया रोंगा डिंग डांग डा, ये रोटी ये दाल खाई बड़े दाल, ये रोटी ये दाल खाई बड़े दाल। खाली ठंडा पानी पी के सोए हम बर तो, आज हो या कल हो, कल हो या पर तो, पूरी होगी एक दिन यारों की मान, पूरी होगी एक दिन यारों की मान। अब राई ठो या रोंगा डिंग डांग डा, ये रोटी ये दाल खाई बड़े दाल, ये रोटी ये दाल खाई बड़े दाल। हो 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 बकवास कर रहे हैं। बस्ती में दावते उड़ाई जा रही, मुर्गी की टांगे और चालीस जोड़े खा रहे हैं वो लोग। मैं पूछता हूँ कैसे खा रहे हैं? मुंह से। रोशनलाल, अब किसी को अपनी दाल रोटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, काम शुरू नहीं हो जाता, सबको बराबर रोटी मिलती रहेगी इसी पैसे से। बोलो शंकर भैया की जय! शंकर भैया की जय! दिखाना यार, दिखाना। पापा, आप सचमुच देवता है? नहीं रे, मैं देवता का बाप हूं। एंड नाउ द प्राइज फॉर द बेस्ट मोटर मैकेनिक goes to Raja Singh Rathore।
I request Mr. Johnson to give the award. Excuse me, sir. With your permission, may I receive this award from the hands of my friend? Friend? My papa. But why not? May I request this young man's father to come on the stage and present this award to his wali son? Gentlemen and gentle ladies, and Mr. Johnson also, I today very, very happy. My son, you honor me proud, and my son, Godfather stage. And award, I'm proud. I'm very, very proud. I flying seven sky. My son, small son, small hands, teach me English. I speak English. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above world so high like diamond in the sky. Sky, my wife, his mother, heaven, happy tears in eyes, always. Blessing like this, I pray God, birth, same son and father, not only son and father, but friends also. हम आइसक्रीम खाएंगे। कौन से फ्लेवर की? तुम्हारे फ्लेवर की। नहीं यार वो नहीं वो हाँ वो। क्या कर रहा है तू? इतना टाइम लगा था इडियट। हाय लकी। थैंक्स यार। एक Bye, Lucky. Bye. आप 11 रुपए? क्या 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 कहा? अंजू किसी लड़के से प्यार करती है? जी हाँ. अरे आप हंस रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है अंकल? अरे भाई क्यों नहीं, अंजू जिस लड़के से प्यार करती है उसे मैं भी पसंद करता हूँ. आप उसे जानते हैं? हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. वो मेरे दोस्त का बेटा है और इस वक्त वो मेरे सामने खड़ा है. नहीं वो मैं नहीं हूं अंकल. अंजलि जिस लड़के से प्यार करती है उसका नाम है राजा. राजा? कौन राजा? मुझे नहीं मालूम कौन राजा, सिर्फ उसका नाम जानता हूं. इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता. ये झूठ है. ये सच कह रहा है और शायद जिंदगी में इसने पहली बार सच कहा है. डैडी, राजा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. वो बहुत अच्छा लड़का है डैडी, और तुम तो उसे मिल चुके हो ना लकी. हाँ डैडी, राजा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है कि मैं क्या बताऊं. अगर आप उसे मिलेंगे
तो आप भी प्यार करने लगेंगे। सच हम उससे मिलना चाहेंगे बेटी। अंकल आप मिले डैडी तो। डैडी ये राजा है और राजा ये मेरे डैडी। नमस्ते। नमस्ते। हाय लकी, तुम इसे जानते हो? अच्छी तरह। और ये भी मुझे जानता है। आओ आओ। अंजू तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। क्या काम करते हो? हमारे मतलब है किस लाइन में हो? जी ऑटोमोबाइल्स में। आओ बैठो। थैंक यू। तो नई गाड़ियों का शोरूम है तुम्हारा? जी नहीं, पुरानी गाड़ियों का गैराज। तुम्हारा अपना गैरेज है? जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। गैरेज मेरा नहीं, मैं गैरेज में काम करता हूं। व्हाट? जी मैकेनिक, मैकेनिक हूं मैं। गैरेज से बंगले तक, वाह क्या छलांग मारी है। शुक्रिया। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 1000, 1200 या 1500? नो नो सर, कैसी बात कर रहे हैं आप। 1500 नहीं, 700। 100 रुपया कन्वेंस, गाड़ी भाड़ा, कुल मिलाकर 800। शायद तुम ये नहीं जानते कि 800 रुपए की तो हमारी बेटी सैंडल भी नहीं पहनती। उसका एक एक ड्रेस 8000 से ज्यादा का होता है। मेरी कमाई के हिसाब से तो उसके लिपस्टिक का खर्चा भी ना निकले। मैं ये सब जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी कमाई के हिसाब से अंजू अपने खर्चे खुद कम कर लेगी। यस डैडी, मैं राजा की मेहनत की 800 रुपए में खुशी से गुजारा कर लूंगी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है। ओह आई सी, सो यू यंग ब्लड, अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहते हो। क्या नाम है उनका? मिस्टर एस एस राठौड़। एस एस राठौड़, हम इस शहर के सारे बड़े छोटे बिल्डर्स को जानते हैं, लेकिन इस नाम को हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, वो बिल्डर नहीं है। तो फिर मिशन है कड़िया, यू नो। और हाँ, आप ही के यहां तो काम करते हैं। हमारे यहां? क्या नाम बताया उनका? एस एस राठौर, शंकर सिंह राठौर। तुम उस कमीने के बेटे हो? आप मेरे पापा को गाली दे रहे हैं। अगर करो गाली दे रहा हूं, धक्के मारकर घर से बाहर ही निकाल दिया। डैडी छोड़ा। और तुम कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे दहलीज पर कदम रखने की जरूरत की तो तुम्हारे पैर काट कर रख दूंगा। राइट? जवाब मैं भी दे सकता हूं, मगर मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, बड़ों की इज्जत करो और उनसे कभी बदतमीजी से पेश ना आओ। रही बात अंजू से ना मिलने की, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और रहा सवाल आपकी दहलीज का, तो मैं आपकी दहलीज पर बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर बैठकर आऊंगा और दूल्हा बनकर आपकी बेटी को ले जाऊंगा। राजा बदतमीज, हमारे लाड प्यार का ये मतलब नहीं कि तुम हमारे सर पर नाचने लगो। यह हमारा फैसला है कि आज के बाद तुम राजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। तुम्हारी शादी लकी के साथ होगी। लकी? जी। तुम आज अंजू को लेकर हांगकांग जाओगे। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं लकी के साथ हांगकांग नहीं जाऊंगी। तुम हमें अच्छी तरह से जानती हो, हम जो कहते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अभी तो हमने उसे सिर्फ घर से बाहर निकाला है। अगर तुम हांगकांग न गई तो हम उसकी जान ले लेंगे। अब फैसला तुम पर है, तुम्हें राजा का प्यार चाहिए या उसकी जिंदगी। एक्सक्यूज मी, योर मिस्टर लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत गुप्ता। आपको मेरे साथ चलना होगा। कहां? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आप कुछ इनलीगल चीजें लेकर जा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आप मेरे सामान की तलाशी ले सकते हैं। जी नहीं, हमें आपकी पर्सनल तलाशी लेनी होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप। सर तलाशी तो आपको देनी होगी। चलिए सामने वाले कमरे में चलिए।
प्लीज रिमूव योर ट्राउजर. व्हाट? आप अपनी पतलून उतारिए. तुम होश में तो हो ऑफिसर? क्या मैं आपको बेहोश नजर आ रहा हूं? मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए. अपनी पतलून उतारिए. दैट्स बेटर. अब अपनी चड्डी उतारिए. ये क्या तमाशा है अफसर? टेक इट इजी मिस्टर चड्डा. क्या हुआ? मिस्टर चड्डा, इनकी चड्डी में से ये हीरे निकले हैं. प्लीज मेक द केस. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू फॉर द कांग्रेचुलेशन. सर सर, ये हीरे मेरे नहीं है सर. और मिस्टर चड्डा, बिलीव मी मिस्टर चड्डा, ये चड्डी भी मेरी नहीं है. ऐसा होता है यंग मैन. कभी कभी मुझे भी कहना पड़ता है कि मैं चड्डा नहीं हूं. तुम चड्डी की बात करते हो. You're right, sir. You're right. But you are in trouble, you scoundrel. चाचा, वो हीरे आप इनाम में रख लीजिए. अरे वाह बरखुरदार वाह, काम असली और इनाम नकली. निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर. काटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर. काटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर. बच जाए या मर जाए ये आशिक की तकदीर. काटा लगे निकल जाए निकल जाए मगर ना.
मैं किसी को आपसे मिलाने लाया हूं। किसे? अंदर बुलाओ ना, बाहर क्यों खड़ा किया है? अंजू, पापा ये अंजू है। अंजू ये मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी मां, मेरे सब कुछ। और पापा ये मेरी वो, मेरा मतलब आपकी होने वाली बहू। अरे जियो, खुश रहो। गधे पाजी नालायक, इतना बड़ा कांड कर दिया, भिनक तक नहीं आने दी है? पापा आपको अंजू के बारे में बता देता तो सस्पेंस नहीं रहता, आपको सरप्राइज भी तो देना था। क्या नाम है जी आपका? अंजू। अंजू जी, आपको सारी दुनिया में ले दे के मेरा ये पंजू पसंद आया था। आइए आइए बैठिए। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या दिख रहा है? या चाय बना अंजू के लिए, और वो थोड़े से आलू वाले पराठे बना ले। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटे हाँ कर देना, थोड़े बहुत मैं भी खा लूंगा। आज शुक्रवार है, खाना बनाने की बारी मेरी है। बड़ा अच्छा खाना बनाता है, बाद में तेरे काम आएगा। नो चीटिंग, आप मौके का फायदा उठा रहे हैं। शुक्रवार है शुक्रवार। नो शुक्रवार, नो बुधवार। आज से खाना मैं बनाऊंगा। नो 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 नो, मैरिज फर्स्ट, रसोई वर्क आफ्टर। आई यू पास माय बहू एंड यू सिट 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 एंड आई सिट एंड टॉक। अच्छा बेटे, घर में कौन कौन है? पिताजी क्या काम करते हैं? मुझे मिलवाओगे ना? मुझे उनसे मिलूंगा नहीं तो बात कैसे करूंगा शादी की? जी, मेरी डैडी हम दोनों की शादी के खिलाफ है, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ रहने आई हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटी, मैं तेरे पिताजी को मना लूंगा। क्या नाम है उनका? मिस्टर आर के खन्ना। तू हमारे सेठ जी की बेटी है जी। समझ गया, तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अंजू, मैं अपने राजा को अच्छी तरह जानता हूं, ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। ये तुम्हें यहां लेकर आया है ना, इसका मतलब है तुमसे बेहद प्यार करता है। मगर सेठ जी इस प्यार को नहीं समझेंगे, वो तो इसका मतलब कुछ और ही निकालेंगे। पापा, प्यार का मतलब सिर्फ प्यार ही होता है। दुनिया इसका क्या मतलब निकालती है, हमें इसकी परवाह नहीं। आइए सेठ जी, अंदर आइए। नीच कमीने, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम अपनी मांग मनवाने के लिए इतनी घटिया हरकत करोगे, हमारी ही बेटी को जरिया बनाओगे। आखिर तुमने अपनी औकात और साथ दिखाई दी ना। जबान संभाल कर बात कर सेठ, बोलना मुझे भी आता है। तुम शायद असलियत से वाकिफ नहीं, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है। प्यार करती है? क्या हम नहीं जानते कि यह महज तुम्हारी एक चाल है? तुमने अपने बेटे के प्यार में हमारी मासूम बेटी को जानबूझकर फंसवाया है।
ताकि उसके जरिए अपने मजदूरों की मांग को पूरा करवा सको। ये झूठ है सेठ, सरासर झूठ है। राजा, अंजू को बाहर लाओ। आपकी बेटी अपनी मर्जी से यहां आई है, जाना चाहे तो जा भी सकती है। चलो बेटी। कहां? अपने घर। अब तो यही मेरा घर है दारी, और अपने घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बदतमीज, चलो मैं कहता हूं। मिस्टर आर के खन्ना, ये मेरी होने वाली बीवी है, अब आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये इस झोपड़े में सुख और चैन की नींद सोएगी, और ये दावा करता हूं कि आप अपने बंगले के एयर कंडीशन कमरे में पसीने बहाएंगे। सेठ जी, आज से अंजू भी हमारे परिवार में शामिल हो गई है। कल अपनी फैमिली की खुशी के लिए एक छोटा सा जश्न मना रहा हूं, आप भी आइएगा। अरे चम्मक छल्लो, क्या बात है? तुहार अभी तक शादी ब्याह नहीं हुआ का? हाय क्या करूं, मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। ढूंढ रहे हैं मेरे लिए लड़का मेरे घर वाले, अरे कितने लड़के देखे लंबे
मैंने कहा आती है, पर तू घोड़ा है या हाथी है? ये सुन के वो नींद से जाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। ये सुन के वो नींद से जाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। रंग महल में खोई थी मैं यौवन की रंग रलियों में, दूर से एक दिन एक परदेसी आया मेरी गलियों में। उस जुल्मी ने इतना कहकर मेरी जिद को तोड़ दिया, ना कर हाँ कर तेरी मर्जी, तेरे लिए जग छोड़ दिया। ये सुनकर नींद से जाग गई, मैं साथ पिया के भाग गई। ये सुनकर नींद से जाग गई, मैं साथ पिया के भाग गई। शंकर बेटे, बहुत रात हो गई, राजा और अंजलि नहीं आए अभी तक। क्यों परेशान हो रही मौसी, जा जाकर सो जा, जवान बच्चे कहीं रुक गए होंगे। नहीं बेटे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तू जाकर देख के तो आ। उसने मौसी को परेशान किया आज, आ लेने दे, उसकी हड्डी पसलिया कर दूंगा। ये ले, आ गया। राजा, राजा, राजा बेटा,
राजा। क्या किया तूने मेरे बेटे को शंकर? मेरा बेटा कहाँ है शंकर? मुझे मेरा बेटा चाहिए शंकर, नहीं चाहिए पक्के मकान। अरे हम तो इन झोपड़ियों में रह ही रहे ना, आगे भी रह लेंगे बेटा, रह लेंगे। हमें नहीं चाहिए पक्के मकान। जाकर कह दो तुम सेठ से हमें राजा की जान की कीमत दे के पक्के मकान नहीं चाहिए बेटे। उसे कह दो, उसे कह दो हमारी कोई मांग नहीं, हमारी कोई मांग नहीं, हमें हमारा बेटा वापस कर दे, हमें बच्चा दे दे हमारा। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुम सुन रहे हो ना? तुम चुप क्यों हो शंकर? शंकर तुम जवाब क्यों नहीं देते शंकर? शंकर हमारा बेटा चाहिए शंकर। शंकर भैया, शंकर भैया राजा। आओ शंकर आओ, हमें मालूम था तुम जरूर आओगे। मेरा बेटा कहाँ है सेठ? मेरा बेटा कहाँ है? है, तुम्हारा बेटा हमारे पास है और बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरा बेटा दे दे सेठ, मुझे मेरा बेटा दे दे। ये कमबख्त औलाद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। हमने किया, हमारी बेटी हमारे पास है और हमें मालूम है तुम भी अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी करोगे। जैसे कि कल से मजदूरों को काम पर आने के लिए कहोगे, उनसे हमारा नुकसान पूरा करवाने के लिए दुगना काम करवाओगे, दोबारा कोई मांग नहीं करोगे और हमसे माफी भी मांगोगे। अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो क्या करेगा? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी करेंगे। इधर आ, इस जगह को देख सेठ, देख इसे। ये वही जगह है जहां तूने मेरे बेटे को मारा था, उधर उसकी मां की लाश रखी थी और यहां तूने इसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। वो एक एक गाली, एक एक चोट जो तूने मेरे बेटे को दी थी, मैं चाहता तो उसी वक्त उसका जवाब दे सकता था। उस दिन मेरे सीने में जो आग लगी थी, मैं चाहता तो तेरे इस महल को जलाकर राख कर देता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं इसलिए कि तू मुझे जेल भेज देता, मेरा बेटा बर्बाद हो जाता, फुटपाथ पर आ जाता, वो भिखारी या मवाली बन जाता। लेकिन एक बात बड़ी सच्ची कही है तूने सेठ, इंसान अपनी औलाद की खातिर कुछ भी कर सकता है। उस दिन मैंने अपनी औलाद की खातिर तेरे हाथ जोड़े थे, लेकिन आज आज अपनी औलाद की खातिर मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। बोल मेरा बेटा कहाँ है? बोल। Come on!
छोटे छोटे हाथों से तूने मुझे संभाला है, मैंने तुझको पाला नहीं, तूने मुझको मेरे बेटे। बर्दाश्त किए लेकिन अब नहीं करूंगा। चुप करो। Thank you.
हराम साधे तुझे जिंदा छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। डैडी, अगर आप मानना ही चाहते हैं तो हम दोनों को मानना होगा। डोंट बी रिडिकुलस, पागल मत बनो अंजलि, हट जाओ। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। हट जाओ, हम कहते हैं। हट जाओ, हाथ मत लगाना इन्हें। बच्चों, चलो मेरे साथ। ये तुम क्या कह रही हो? अरे अंजू, तो नादान है, बच्ची है, जो इस कमबख्त राजा पर मर मिटी है, अगर तुम भी इसके साथ दे रही हो। हाँ, क्या बुराई है राजा में? बुराई? इसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये कमीना है, बेऔकात है, गरीब है। ये तुम कह रहे हो? तुम? अरे तुम क्या थे? मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाले दो कौड़ी के क्लर्क? मेरे बाप को अपने जाल में फंसा कर तुमने मुझसे शादी की। मैंने भगवान की मर्जी समझकर चुपचाप सह लिया और पूरी जिंदगी तुम जैसे खुदगर्ज पैसे के लालची इंसान के साथ उफ किए बिना गुजार दी। अपने अरमान, अपने सपनों को भी मैंने कुचल दिया। तुम तो दौलत के इतने ऊंचे ढेर पर जाकर बैठे थे जहां से तुम्हें न बीवी दिखाई दी न बेटी। अरे, तुमने तो मेरी बेटी का बचपन भी मुझसे छीन लिया, उसे पढ़ने बाहर भेज दिया, फिर भी मैं खामोश रही। लेकिन अब जब मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशी का सवाल है, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी और उसकी खुशी के रास्ते में अगर किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अरे गरीब राजा नहीं, गरीब तो तुम हो, क्योंकि आज तुम्हारे पास दौलत के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अंजू और राजा को अपने साथ ले जा रही हूं। मैं खुद अपने हाथों से उनकी शादी रचाऊंगी और तुम्हारा बाप भी मुझे रोक नहीं सकता। हिलना नहीं, आगे मत आना, आगे मत आना, गोली चलाना। ये क्या कर रही लड़की, छोड़ दो उसे। चुप बोटे, चुप। अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। अंजलि की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी और किसी से नहीं होगी, मुझसे। चलो। Thank you.
पापा 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 राजा तू रो रहा है रे रोना नहीं बेटे तू समझता है मैं जा रहा हूं नहीं मैं यार के साथ बेईमानी नहीं करूंगा रे आपने मेरी बेटी की जान बचाई मैं नहीं मैंने आपकी बेटी की जान नहीं बचाई अपनी बहू की जान बचाई है मुझे माफ कर दो शंकर तुम इंसान नहीं देवता हो तुम्हारा सपना पूरा होगा शंकर मैं मजदूरों के लिए नई कॉलोनी बनाऊंगा ये मेरा वादा है तुमसे तुझे तेरा घर दिखाऊं पापा 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 सबसे पहले मैं किचन देखूंगा क्यों किचन क्यों क्योंकि आज शुक्रवार है पापा चांद को छूने की ख्वाहिश रखता हूं सूरज से मिलने की ख्वाहिश रखता हूं मगर सबसे पहले ए अवामे जहां तुझे खुश रखने की ख्वाहिश रखता हूं चूड़ियां हो चूड़ियां 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 बनती है दुकानों में चूड़ियां बनती है दुकान